देखिए, अगर हमारे कैंडिडेट हमसे अपील नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हम अपने समाज के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम उनके लिए सबके लिए यहाँ पर वोट की अपील कर रहे हैं। और इस समय पे सिर्फ दिल्ली के अंदर ही बीसीडी का इलेक्शन नहीं चल रहा है, देश में कई प्रांतों में इलेक्शन है, उत्तराखंड में है, यूपी में है और मध्य प्रदेश में की भी बीसीडी का इलेक्शन, मतलब उनकी बार काउंसिल का इलेक्शन चल रहा है। मैं अभी, मेरा 18 तारीख को प्रोग्राम है उज्जैन में, मैं उज्जैन में जाऊंगा और मध्य प्रदेश के साथियों से मैं अपील करूंगा कि हमारे जितने भी साथी हैं, ऑल इंडिया एससी एसटी के जितने भी साथी हैं और जो भी कैंडिडेट हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लोगों को वोट दें, बाकी किसी को वोट ना दें। क्योंकि बीसीडी का जो वोटिंग होती है वो बड़ी टैक्टिक वोटिंग होती है। अगर हमारे साथी, हमारे समाज से 10 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो 10 ही वोट दें, 11वां प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि जैसे ही वो 11वां प्रेफरेंस देंगे तो वो वोट हमारी उधर चली जाती है और हमारा कैंडिडेट हमेशा हार जाता है। मेरी यही प्लानिंग है और इसी प्लानिंग के तहत हम अपने लोगों से ये अपील कर रहे हैं और यही बात लोगों को, सबको समझा रहे हैं कि सिर्फ अपने लोगों को वोट दें, बाकी किसी को वोट ना दें, क्योंकि दूसरों का वोट हमारे लिए ट्रांसफरेबल नहीं होता है और हमारा वोट दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, वही जिस तरीके से बसपा का वोट इधर से उधर को ट्रांसफ़र होता था और बसपा के लिए दूसरा वोट ट्रांसफ़र नहीं होता था, वही स्ट्रेटेजी हमने भी करनी है कि हमने अपना वोट किसी को नहीं देना है, हमने अपना वोट सिर्फ और सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को देना है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ में हम काम कर रहे हैं और पूरे जहां पर भी बार काउंसिल के इलेक्शन चल रहे हैं, उत्तराखंड में, यूपी में मैं जाऊंगा अभी और वहां पर भी मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, उन साथियों से भी यही अपील। दिल्ली के अंदर कितने बीसीडी के कैंडिडेट के लिए खड़े हुए हैं? अभी हमारे पास में कंप्लीट डाटा नहीं आया है, 8 साथियों का भी नॉमिनेशन हो पाया है, नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 13 तारीख है, 13 तारीख लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक कितने साथियों का नॉमिनेशन होता है उसके बाद में हमारे पास में डाटा आ पाएगा, तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर हमारे समाज से इलेक्शन में हैं। मतलब एक कैंडिडेट को जीतने के लिए कितना वोट परसेंटेज चाहिए, कितना वोट चाहिए? एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 750 से 800 के आसपास में वोट चाहिए इस समय पे, फर्स्ट प्रेफरेंस का। सर, अनुसूचित जाति का वोट कितना है टोटल? अनुसूचित जाति का वोट यहाँ पर 6300 वोट है जी, मगर दुख की बात यह है कि हमारे समाज में 3 विशेषताएं हैं, जिस दिन हमारे समाज की ये 3 विशेषताएं खत्म हो जाएंगी उस दिन हमारे समाज को ये बीसीडी का इलेक्शन या बार काउंसिल का इलेक्शन बहुत छोटी सी चीज़ है, इस देश पे राज करने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो इनको इलेक्शन के टाइम पे भूख बहुत लगती है जी, दूसरा ये बहुत ईमानदार है, परिवार में बीमार रहते हैं, ईमानदार बहुत ज़्यादा है, अगर इसने किसी का नमक खा लिया तो फिर नमक हलाली पूरी करता है, ये उस नमक हलाली से बचे। और तीसरा बिकाऊ माल है, ये बिकना बंद कर दे तो देश पे राज करने से कोई नहीं रोक सकता। इन 3 फार्मूले पे अगर काम करें तो ये देश पे भी राज करेंगे, बार काउंसिल में भी राज करेंगे, बार काउंसिल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये हर चीज़ पे राज करेंगे। धन्यवाद सर।